with you. And Hi everyone. Yes, Ratish, how is it going at your end? Amazing यार, amazing, amazing. Great, great to hear it. और पता नहीं यार, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ और जब हम लोग अपने audience से interact करते हैं, I think those are the time that we really enjoy it. It also tells us the thing कि भाई we should all stay positive. और कुछ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. उससे मुझे याद है, let me just start this episode with couple of lines if you allow me. Of course, दूसरी बात है. क्या पता कब कहां से मारेगी, बस कि मैं जिंदगी से डरता हूँ, मौत का क्या है, एक बार मारेगी. वाह, गुलजार साहब. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो टुडे आवर एपिसोड इज ऑन गुलजार साहब. आई थिंक ही इज समबडी, आई थिंक रतीश आप और मैं शायद कितने सालों से उनके बारे में बात कर रहे हैं और फिर करते भी रहेंगे. Just to give you a gist for our the benefit of our audience, I think he started his career in 1961. That is close to 60 years. With Kabuliwala, he wrote his lyrics for Kabuliwala in 1961. Or 1971 mein he started directing. And he is still relevant. उनके जो उनका जो लीक लेख है अभी भी बहुत ही relevant है. और and we will only discuss about his music or the song lyrics today. We will not talk about his filmmaking, nor will talk about his poetry. So he's so vast. So it's over to you, Ratish. I think today for our audience there's a very interesting surprise by Ratish. So why don't you start, Ratish? मैं तो यार पहले तो जहन में जो गाना आ रहा है वो आगे सुनाता हूँ. पत्थर की हवेली को शीशे के घरों ने तिनको के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं. इस मोड़ से जाते हैं. मतलब आंधी. मैं शायद कुछ दिन पहले जब देख रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसे गाने आज के डेट में तो बनना तो छोड़ दे, वो तो मतलब डिफरेंट बॉल गेम. बट मैं ये सोच रहा हूँ ये गाने आज भी रेलिवेंट है और लोग उतने चाव से सुनते हैं जब तब सुनते थे जब वो निकला था. Yes, 74, 75 का मूवी होगा मोस्ट लाइकली. Yes, मेरे को याद है. Yes, and it was banned by the Indian government that time because of emergency. Let's not get more into that. But whatever. उस टाइम में बना था पिक्चर, आज भी गाना रेलिवेंट है. Exactly. क्या गाना है यार. I mean, क्या गाना है. Yeah. I think he also got many awards for this. In fact, if you look at Andy soundtrack, all the songs are legendary. All the songs. Absolutely. Great. इसका और एक गाना है ना. तुम आगे कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी. आई थिंक तुम आ गए हो और ये व्हाटएवर, मतलब तेरे बिना ये सारी सारे गाने. तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट. आई मीन आई विल टेक 10 सेकंड्स टू से वन एनेक्डोट. आई वाज गोइंग टू पूना इन अ ट्रेन जर्नी एंड आई कुड हियर वन गाइस सॉरी कपल ऑफ पीपल्स रिंगटोन इज तेरे बिना जिंदगी से एंड इट शोज इन 2020 आल्सो यू नो पीपल आर हैविंग अ रिंगटोन व्हिच वाज लाइक 50 ईयर ओल्ड मूवी सॉन्ग. So it shows its relevance. I mean a 23-year-old guy singing Mohammed Rafi and then becoming popular on the net. Ye matlab it only goes to show ki guys like Gulzar and all their contributions will remain, I mean, forever. Timeless. Matlab aane wale 100 saal bhi yahi gaane chalenge bhai. Jitna bhi hum koshish kar le. Golmaal ka wo gana yaad hai? Aane wala pal? हाँ आने वाला पल. यस यस एब्सोल्युटली. उसका एक अंतरा सुनाता हूँ सबके लिए. माय फेवरेट अंतरा आउट ऑफ द सॉन्ग, जैसे दो तीन अंतरे हैं, मेरे को ये गाना अंतरा बहुत पसंद है. ओके. एक बार वक्त
से लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं वह दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ हो क्या गाना है यार, मतलब I still get goosebumps to be very honest. मतलब क्या गाने, और मेरे को ऐसा लगता है कि आरडी जिस तरह से गुलजार ने यूज किया है और आई थिंक द वे गुलजार एंड आरडी उसकी कोलैबोरेट, इट्स फैसिनेटिंग यार। यस एंड when we keep on talking about his relevance, na, the best part is the way he collaborated with RD. Today he's able to collaborate the same way with AR Rahman. Just look at the range. Look at the range. Absolutely. मतलब हम लोग ये थोड़े पुराने गाने में रह गए हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे गाने आज भी हैं गुलजार के जो मतलब कुछ अलग ही लिख देते हैं। करेक्ट। और मैं सोचता रहता हूँ क्या किया यार, क्या लिख दिया। Yes. मतलब in fact his collaboration with Vishal Bhardwaj, I think very very fulfilling. Absolutely. Correct. मतलब कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और आज तो मतलब गाने का ही महफिल बन गया, मतलब अभी मतलब ऐसा है लग रहा है कि मैं गाता रहूं। करेक्ट। I just hope कि viewers बोर ना हो हमारे। We got at least 3 requests from our viewers, the listeners in the last few episodes that why Ratish sir can't sing more. So I said, you know, we are not into a completely musical, series, but we will try our best. So good, they are going to get some dose of. This is for Gulzar, yaar. This is purely Gulzar ki wajah se gaane ko man bhi kar raha hai aaj. Ek aur gaana zehen mein aa raha hai. Sure. Uska bhi Antra mere ko bada pasand hai. Okay. Main aaj Antra hi gaa raha hu because Mukhra to sabne suna hi hai ki Antra mein jo magic hai na. Absolutely. Har ek, jaise ye gala gaana. झुकी हुई निगाहों में कहीं मेरा ख्याल था दबी दबी हंसी में एक हंसी सा गुलाल था मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी यार मतलब इसका जो अंतरे में जो ऊपर जाता है जो पोर्शन है आई थिंक आई विल स्लाइटली डिविएट एंड आई विल टेल दैट यू हैव डन कंप्लीट जस्टिस टू इट आई थिंक दिस इज नॉट अबाउट योर थिंकिंग आई नो बट आई थिंक आल्सो दैट पोर्शन इज आल्सो माय फेवरेट आई थिंक दिस इज अ नेक्स्ट इट्स अ वेरी यू नो काम एंड यू नो वेरी सीरीन फीलिंग आई गेस मतलब एक बोट में एक सिंपल से गाना चल रहा है उसका इतना खतरनाक लिरिक्स मतलब और उस तरह से गाया भी है किशोर बड़ा सिंपल तरीके से गा देता था ये सब गाने जो अभी समझ में आता है इतना सिंपल है नहीं जो हम मतलब यू नो तो एक और कॉम्बिनेशन था गुलजार और सलील चौधरी वाला आनंद यू नो जिसके 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 सबसे प्यारा सा गाना जो मुकेश ने गाया है रूठी रातें रूठी हुई रातों को जगाया कभी तेरे लिए बीती सुबह को बुलाया कभी रूठी हुई रातों को जगाया कभी तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए रातों में मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने क्या गाना है यार ब्यूटीफुल आई थिंक मतलब आनंद अगेन आई थिंक व्हाट अ मूवी व्हाट लिरिक्स व्हाट राइटिंग
what direction. I think just one thing, you know, when you sang this, I was in two minds that, you know, Anand's, whether Gulzar was the only lyricist, and so there are two lyricists. One is Yogesh, who wrote three songs, two songs. Mm. Gulzar Saab wrote two songs. So just imagine, I mean, each song is a legendary song, and, you know, I think superb. Super. Yeah, each song, absolutely. And I'm happy you picked the Antara Ratish. I think the audience needs to listen and appreciate this kind of quality writing. Absolutely, absolutely. और अगर आपका legendary जो गाना है, जो मतलब एक picture आती है जिसमें नसीर साहब, रेखा और अनुराधा पटेल इजाजत, उसमें ये चुनना मुश्किल है कि कौन सा गाना गाया जाए, यू नो, बिकॉज एवरी थिंग इज अ मास्टर पीस एंड 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 वॉट लिरिक्स. मैं जब मेरा फेवरेट जो पोर्शन है उस पूरे पिक्चर में, एक गाना है कतरा कतरा, जिसका जो जिसका मेरा फेवरेट पार्ट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग फॉर यू एंड द व्यूअर्स टुडे. तुमने तो आकाश बिछाया, मेरे नंगे पैरों पे जमीन है, कांटे भी तुम्हारी आरज़ू हो, ओ शायद ऐसी जिंदगी हसी है, आरज़ू में बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो ना. संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, मौसम 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 उसमें मैं फर्स्ट टाइम वॉचिंग द फिल्म, I thought ki, so it didn't register me that the same song has happened in two different tunes. Oh yes, I remember so, this. So uska jo ek hai jo tune ek hai, dil dhoondta hai phir wahi fursat ke raat din, dil dhoondta hai. Fir uska aur ek version hai jo वो शर्मिला टैगोर के साथ गाता है, संजीव कुमार साहब, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. आई थिंक समथिंग लाइक दिस हैपेंड आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स व्हेन विशाल भारद्वाज डिड द सेम थिंग इन कमीने, एंड आई वाज सो, मुझे बड़ा अच्छा लगा था यार वो जब. इनफैक्ट मैं अपने लिसनर्स व्यूअर्स को ये बोल दूं कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे दो वर्जन के गाने एक ही मूवीज में होते हैं, इट्स नॉट अबाउट अ सैड एंड अ हैप्पी टोन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉम्पोजिशन आउट ऑफ द सेम सॉन्ग, सेम लिरिक्स. या दैट्स व्हाट रतीश इज टेलिंग हियर राइट नाउ. सो एब्सोल्युटली वेरी यूनिक इन नेचर. या बिल्कुल, एंड जैसे कमीने में था, यस, पहली बार मोहब्बत की है, और उसके बाद पहली बार मोहब्बत की है, इट्स सो नाइस, सो नाइसली डन. हू बेटर देन गुलजार साहब टू राइट इट अगेन अगेन, या फॉर हिज प्रोटीजी विशाल भारद्वाज. बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली गुलजार साहब के लिए मतलब कितने गाने ऐसे ऐसे आदमी गाता ही रहेगा तो मतलब यस 25 मिनट का तो एपिसोड ऐसे ही बन जाएगा हमारा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना. फिर भी मैं अचरज हो जाता हूँ कभी कभी, हैरान हो जाता हूँ कभी कभी कुछ गानों में, जैसे वो कुछ चीजें ही एड्स ऑन टू इट एंड मेक्स इट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. करेक्ट, लाइक इवन कजरा रे काइंड ऑफ अ सॉन्ग. और इवन कोई भी लगा नमक इस कदा, आई थिंक एब्सोल्युटली पीपल यू नो प्लॉट इट एज अ वेरी आइटम सॉन्ग, बट I mean, if this actually is an item song, I think this would be the most profound item song lyrics I have ever heard. Even BD Jalai Le, yeah. That talks about the feudal system. मतलब इतना डिटेल में घुस जाते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, मतलब बहुत डेप्थ वाला, मतलब इतना डेप्थ है उसमें कि मतलब और 100 साल लिखे तो बस लिखते ही जाए.
आज का माहौल ही थोड़ा अलग हो गया, गुलजार साहब के साथ बारे में बात करके माहौल ही अलग हो जाता है. That's what he does to you as music lovers. The kind of lyrics that he writes, I just hope he keeps writing more. मतलब और ज़्यादा गाना लिखें और मज़ा आएगा. Correct. So I'll just read out one more Triveni, which again I love. By the way, Triveni is about three lines, where the first two lines are normal. I think it might sound normal, but जो तीसरा line है इस पंक्तियों का, वो आपको कहीं और ले जाता है. So it's very open ended. तो आप अपना अपना उसमें से definition निकाल सकते हैं. So it goes like this. ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे मोतियों वाला हार टूट गया. तुमने मुझको पिरो के रखा था. और एक बार बोल. ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे मोतियों वाला हार टूट गया. तुमने मुझको पिरो के रखा था. So he transports you into a different planet altogether. He makes you think. And that's where you, so anybody who makes your intellect revolve, I think we should always respect those kind of people. कहीं ना कहीं उन लोगों ने अभी तक जो एक literature है उसको जिंदा रखा है हमारी industry. बिल्कुल. Amazing यार. Amazing. Thanks so much, Ratish. I think today it was my day to kind of keep quiet and just listen to your voice and listen to the great work by this legend called Gulzar Sampuran Singh Kalra, if I can tell his full name. Yes. So thanks Ratish, thanks a lot for tuning in on a rainy day, and thanks for the listeners to listening in. Yep. Thank you everyone. Thank you. Bye.